तो आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे डीएनए एंड आरएनए में क्या अंतर होता है। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि डीएनए होता है वो गुणसूत्रों, केंद्रक द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया तथा वर्णी लवक में पाया जाता है। डीएनए किस में पाया जाता है? गुणसूत्रों, केंद्रक द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया तथा वर्णी लवक में पाया जाता है। अर्थात क्या हो गया, ये मुख्य रूप से कहाँ प्रेजेंट होता है? केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। जबकि जो आरएनए होता है केंद्रिका, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के अंदर पाया जाता है। मींस क्या हो गया, ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि डीएनए में होता है न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है? लगभग 40 लाख के लगभग होती है जबकि आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइडों की संख्या लगभग 25,000 तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है ना, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तथा ये कोशिका में होने वाली क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जबकि आरएनए क्या होता है? अनुवांशिक सूचना वाहक होता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण के अंदर अपना योगदान देता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि डीएनए में द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है जबकि आरएनए के अंदर द्विगुणन की क्षमता नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि डीएनए होता है वो पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है उनसे क्षतिग्रस्त हो सकता है, उनसे डैमेज हो सकता है जबकि आरएनए पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर क्या होता है, जो डीएनए होता है डीएनए के अंदर जो क्षार जो बेस होते हैं वो क्या क्या कौन कौन से होते हैं? एडिनिन, गुआमिन, थाइमिन, साइटोसिन होते हैं जबकि आरएनए के अंदर बाकी सब तो सेम होंगे लेकिन थाइमिन के स्थान पर क्या होगा? यूरेसिल होगा। मतलब एडिनिन, गुआमिन और थाइमिन के स्थान पर क्या जाएगा? यूरेसिल और साइटोसिन होगा ही। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लास्ट कि डीएनए का जो डबल स्टैंड अणु होता है, यानी डीएनए का तो क्या होता है? एक डबल स्टैंड अणु होता है जबकि आरएनए का क्या होता है? एक सिंगल स्टैंड अणु होता है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, पसंद आई है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।